आज हम बनाएंगे बास्केट चाट, जिसे कटोरी चाट या टोकरी चाट भी कहते हैं। मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है, जिसमें हम लेंगे 1.5 कप मैदा, हमारे बास्केट को क्रिस्पी बनाने के लिए हम लेंगे 1/2 कप रवा, हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, अब डालेंगे 1/2 टीस्पून अजवाइन, अब इसे खस्ता बनाने के लिए हम ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून ऑयल। सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इस तरह मुट्ठी बांधकर देख ले कि यह बन रहा है कि नहीं। यह अच्छे से बन रहा है, मतलब कि इसमें जो मोइन डाला है उसकी मात्रा बराबर है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी और इसका हम एक सेमी सॉफ्ट आटा लगाएंगे। ना बहुत ज्यादा हार्ड ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट। हमारा आटा गूंद के तैयार हो गया है। अब हम इससे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। अब हम इसे छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए। 10 मिनट के बाद हमारा आटा एकदम स्मूथ रेडी हो गया है। हम इसे फिर से एक बार अच्छे से मसल लेंगे। अब हम इसके लेमन साइज्ड बॉल बना लेंगे। अब हम लेंगे एक बॉल और इस तरह से हम इसको मीडियम थिकनेस का बेल लेंगे। फॉर्क लीजिए और इस तरह से प्रिक कर ले ताकि हमारी कटोरी फ्राई करने पर फूले नहीं। हम बनाने वाले हैं कटोरी, तो इसके लिए हमें चाहिए कटोरी। मैंने यहाँ पे स्टील की कटोरी ली है, आप स्टील का ग्लास भी ले सकते हैं। कटोरी के बैक साइड को ऑयल लगा के अच्छे से ग्रीस कर लिया है। हमने जो रोटी बेली है हम इसको इस तरह से कटोरी पे डाल देंगे। अब हम इसे इस तरह से प्लेट बनाते हुए सभी तरह से दबाते हुए हर तरफ से बंद कर लेंगे। हमने ऑयल को मीडियम गरम कर लिया है। हम अपनी कटोरी धीरे से डाल देंगे। इसे हम मीडियम टू लो हीट पे फ्राई करेंगे। देखिए अब हमारी स्टील की कटोरी अच्छे से साइड छोड़ रही है, तो हम इसे आसानी से निकाल लेंगे। अब हम अपनी कटोरी को उल्टा करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। कटोरी रेडी हो गई है।
अब हम इसे निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पे लिया है लेमन साइज डो। अब हम इसे अच्छे से मीडियम थिकनेस तक बेल लेंगे। एक फॉर्क की मदद से प्रिक कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे लिया है स्टील का ग्लास, जिसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब हम इस पे डालेंगे अपनी रोटी और अच्छे से प्लेट बनाते हुए सभी तरफ से बंद कर लेंगे। अब हम इसे मीडियम टू लो हीट पे डीप फ्राई करेंगे। ग्लास ने कटोरी की साइड को छोड़ दिया है। अब हम ग्लास को धीरे से निकाल लेंगे। हमारी कटोरी गोल्डन एंड क्रिस्पी फ्राई हो गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे। हमारी सभी कटोरियां हो गई है तैयार। देखिए हमारी कटोरी कितनी क्रिस्पी एंड क्रंची तैयार हुई है। अब हम बनाएंगे बास्केट चाट के लिए टेस्टी वाली स्टफिंग। मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है, 2 मीडियम साइज बॉइल्ड पोटैटोस को रफली कट कर लिया है। मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप बॉइल्ड काला चना। अब मैंने यहाँ पे लिया है फाइनली चॉप ऑनियंस एंड टमेटोस। सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट। डालेंगे 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, भुना जीरा पाउडर एंड चाट मसाला। हम डालेंगे हरे धनिए, मिंट एंड ग्रीन चिली की तीखी वाली हरी चटनी। नाउ ऐड इमली खजूर की चटनी फॉर खट्टा मीठा टेस्ट। हम ऐड करेंगे 2-3 चम्मच फेटा हुआ दही। अब ऐड करेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सभी चीजों को अच्छे से कर ले मिक्स। हमारी स्टफिंग हो गई है रेडी। अब हम करेंगे कटोरी चाट के लिए असेंबलिंग। सबसे पहले हम कटोरी में डालेंगे अपनी स्टफिंग। देखिए हम कितना इसको फास्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने फिलिंग को पहले ही तैयार किया हुआ है, तो हमारी कटोरी चाट फटाफट तैयार हो जाएगी। अब इसको और भी चटपटा बनाने के लिए मैं डाल रही हूँ यहाँ पे रेड चिली पाउडर, चाट मसाला एंड ब्लैक सॉल्ट।
मैं डाल रही हूँ इसमें मसाला बूंदी। अब मैं डाल रही हूँ फीटा हुआ स्वीट दही। दही को मैं कुछ इस तरह से सेंटर में और साइड्स पे डाल रही हूँ। इस तरह से डालेंगे टैंगी एंड स्वीट चटनी। डालेंगे ग्रीन चटनी। अब डालेंगे फाइनली चॉप्ड अनियंस एंड टमेटोस। अब इसमें जाएगी बारीक वाली सेव जो हर चाट में होती है। फाइनली हम गार्निश करेंगे हरा धनिया और अनार के दाने से। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही टेस्टी और मुंह में पानी ला देने वाली बास्केट चाय रेडी है।